मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। हाल ही में इस तरह की खबरें आई थी कि आईफा अवार्ड 2017 के दौरान न्यूयॉर्क में अनुपम खेर को दिल का दौरा पड़ा था। अब इंदु सरकार स्टार ने खुद इस पूरी घटना का खुलासा किया है, तो आइए जानते हैं कि उस रोज क्या हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुपम खेर ने कहा कि पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे दिल से संबंधित कोई समस्या नहीं हुई थी, जैसा कि दिल के दौरे के तौर पर एक अखबार ने इसे छापा। इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इस बारे में छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। अनुपम ने कहा कि न्यूयॉर्क में हम सभी सलमान खान के कमरे में थे, जब अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने तकरीबन डेढ़ दिन से कुछ भी नहीं खाया था, मेरा शुगर लेवल खतरनाक ढंग से नीचे चला गया था। आगे की घटना को विस्तार से बताते हुए अनुपम ने कहा कि सलमान ने पैरामेडिक्स को कॉल किया, जो कि तुरंत वहां पहुंच गई। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के दौरान मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित कानून बहुत सख्त हैं, कोई भी उन्हें हल्के में नहीं लेता है। मैंने पैरामेडिक्स को बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे उपचार की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने फुल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की मांग की। इसके बाद अनुपम की पूरी स्वास्थ्य जांच की गई, जिसके बाद उन्हें स्वस्थ करार दे दिया गया। अनुपम ने कहा कि उस वक्त सलमान ने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी, उसने ना सिर्फ मेडिकल हेल्प के लिए कॉल किया बल्कि पूरे वक्त काफी सचेत रहे। मुझे गर्व है कि इंडस्ट्री में मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में अनुपम खेर की नील नितिन मुकेश तारर फिल्म इंदु सरकार रिलीज हुई है। मधुर भंडारकर निर्देशित ये फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी, लेकिन गिनी चुनी स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बावजूद लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।